लेन देन न्यूज चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आप हैं क्रांति जैन, कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष और मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो क्रांति जी, मैं जानना चाहूँगा कि GST लगने के बाद आपके मेडिकल प्रोफेशन पे, मेडिकल व्यवसाय पे क्या असर पड़ा है, इन दिनों में क्या स्थिति है? जब से GST लागू हुआ है, हमारे मेडिकल प्रोफेशन में वैसे 70% जो केमिस्ट हैं वो कंपोजिशन स्कीम के दायरे में आए हैं, क्योंकि जितने भी रिटेलर्स हैं मेन उनके अलावा 70% रिटेलर्स कंपोजिशन स्कीम में आ चुका है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आने के बावजूद भी व्यापार जगत में हमारे केमिस्टों में कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे हमारे पहले MRP पे टैक्स था, लेकिन अब सीधे इस पे टैक्स लगने लगा है हमारे। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा, कई हमारे को जो फ्री मेडिसिन आती हैं उस पर अभी भी कई अधिकारी ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहे हैं कि स्कीम पे भी टैक्स लगना है या नहीं लगना, क्योंकि अभी हमारी सब कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां स्कीम को जो भेज रही है वो बिना टैक्स के लगा के भेज रही है। लेकिन हमारे कई टैक्स एक्सपर्ट इसमें बता रहे हैं कि स्कीम पे भी टैक्स लगेगा, ये अभी तक क्लियर स्थिति नहीं हो पाई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, अब हमारे यहाँ हज़ारों आइटम होते हैं जो रिटेलर के यहाँ पर रहते हैं, उसमें कई आइटम बिकते हैं, कई नहीं बिक पाते। तो एक गुड्स रिटर्न जो हमारे होता है, क्योंकि डॉक्टर जब लिखना बंद कर देता है तो गुड्स रिटर्न हम करते हैं, या हमारे सेल्फ दराजों में कई दवाइयाँ हो जाती है जो एक्सपायरी हो जाती हैं। तो जो मेडिसिन एक्सपायरी हो जाती हैं उसका भी अभी तक क्लियर नहीं है कि हम इसको एक्सपायरी को कैसे सेटल करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी जब रिटेलर होलसेलर को देता है और होलसेलर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है, तो अभी भी उसका कहीं क्लियर नहीं है कि इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। क्योंकि हमने अधिकारियों से बात करी और टैक्स एक्सपर्ट से बात करी है, वो ये बता रहे हैं कि इसको बिल के रूप में बनाना पड़ेगा आपको, चालान में बिल को, जैसे आप GST लगा के होलसेलर को देंगे और होलसेलर वही बिल बना के हमारे कंसाइनी को देगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रिटेलर के हज़ारों आइटम रहते हैं। अब रिटेलर के यहाँ पे कई बार जो पेशेंट दवाई ले जाता है और उस दवाई को उसको काम में नहीं आती है, वापस देने आता है, तो रिटेलर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसको भी गुड्स रिटर्न में वो कैसे ले। अगर गुड्स रिटर्न लेता है, उसका बिल बनाता है वो, तो दिन भर भी वो उसको इसी काम में लगना पड़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी मेडिसिन वापस भी आती है पेशेंट के द्वारा हमारे रिटेलर्स को। तो इस तरीके की कई टेक्निकल प्रॉब्लम जो आ रही हैं। अभी गाँव में हमारे जो बड़े बड़े रिटेलर हैं जो टैक्स के दायरे में आए, GST के दायरे में, अब उनको कंप्यूटर रखना जरूरी हो गया है। अब गांव में ऐसी कोई अभी फैसिलिटी नहीं है और हमारा व्यापारी अभी तक कंप्यूटराइज सिस्टम में तैयार नहीं है, क्योंकि ये परिपाटी धीरे धीरे चेंज होगी। लेकिन एक तरफ से जो तुरंत लागू कर दिया है तो हमारा रिटेलर इसमें असहाय महसूस कर रहा है। तो बाजार में मेडिसिन की सप्लाई को लेकर कोई समस्या तो नहीं आ रही? अभी जो मेडिसिन थी हमारी, एक्चुअल में होलसेलर ने जून में अपना स्टॉक कम करने के लिए माल मंगाना बंद कर दिया था। रिटेलर ने भी अपने यहाँ पर स्टॉक कम रख लिया था, आवश्यक की मेडिसिन ही उन्होंने रखी थी। अब क्योंकि 1 जुलाई से GST जब से लागू हुआ, तो जो हमारे कंपनी के डिपो हैं या कंसाइनी हैं उनके यहाँ पर एकदम माल शॉर्टेज हो गया है। और अभी मार्केट में ये हालत है कि 15-20 दिन के बाद और तरह तरह मचने वाली है, क्योंकि माल अभी नया तैयार होकर आया नहीं है, क्योंकि MRP इंक्लूसिव पे ही सारा माल आ रहा था और सरकार इसके दाम घटाने वाली थी। तो हमारी कंपनियां कहीं चिंतित थी कि कहीं हमारा ये माल बेकार ना हो जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल भी GST के दायरे में आके महंगा हो गया है। तो अभी कंपनियां कई रूप से कई मेडिसिन को तैयार नहीं कर पाई हैं और ये आने वाले टाइम में 15-20 दिन में हमारे को इस दवाइयों का अभाव होगा, जिसको आम उपभोक्ताओं को बहुत फर्क पड़ने वाला है। अभी इसी समस्या को लेकर आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले थे, तो उनका क्या जवाब था? हम केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी से मिले, हमने उनसे निवेदन किया, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं कि जनता को कम रेट पे दवाइयां उपलब्ध हो, सस्ती दवाइयां मिले। लेकिन अभी जिस हिसाब से GST पे जो रेटें लगाई है, 5%, 12%, 18%, 28%, इससे मेडिसिन सस्ती नहीं हुई है, जबकि ग्राहकों को ये महंगी मिलने लगी है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारे कई रिटेलर जब बिल पहले माल देते थे उपभोक्ताओं को, तो MRP से 10% कम करके दवाइयां उपलब्ध करा दिया करते थे। लेकिन अब जबकि रिटेलर को बिल बनाना कंपलसरी हो गया है, तो उन्होंने वो 10% डिस्काउंट देना ग्राहकों को बंद कर दिया है, इससे आम ग्राहकों को महंगी दवाइयां उपलब्ध हो रही है। तो जो गंभीर बीमारी वाले मरीज हैं
उनको किस तरह से सस्ती दवाइयाँ मिलेगी, क्या कोई रास्ता है उसका? अब सरकार ने अपनी योजना बनाई है, जो सरकार डायरेक्ट सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है, लेकिन सरकार के पास अभी ऐसी कोई उपलब्धता नहीं है। आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, 3/4 दवाइयाँ अभी भी वहाँ पे काउंटर पे उपलब्ध नहीं है, जबकि सरकार को मुहैया करानी चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले में अभी निष्क्रिय हो रही है। धन्यवाद क्रांति जी। धन्यवाद।